हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आपके लिए आज लाया हूँ जीटेल इंफ्रा के बारे में, कितना और गिर सकता है, क्या आपको बाय करना चाहिए या ये अब अपर सर्किट में ही चलेगा। तो आपको इस बात का सारे जवाब यहाँ मिलेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना करेगा। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही में मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, जिसमें मैं जल्दी आपको अच्छी अच्छी कॉल्स वगैरह सारी न्यूज़ प्रोवाइड करूँगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो साथ में आप देख सकते हैं लगभग ग्राफ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, आज अपर सर्किट में ग्राफ बंद हुआ है। ओके, तो जैसा कि हम इसका 5 दिन का हम रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं लगातार 1-2-3-4 दिन से लगभग ये अपर सर्किट ही लग रहा है। बट हम अगर 6 मंथ का इसका ग्राफ देखते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें अप जाके डाउन जाके अप जाके डाउन जाके अप जाके डाउन जाके अप जाके डाउन जाके अब जा रहा है। मतलब अगर इस तरीके से आप ग्राफ के हिसाब से चले तो ये इंडिकेटर करता है कि यहाँ से ये वापस थोड़ा डाउन जाएगा। बट अगर ये सपोर्ट तोड़ता है 1.5 का तो ये ऊपर जा सकता है। सेकंड इसका सपोर्ट है 2 लगभग पे और थर्ड सपोर्ट है 2.5, तो मतलब ये अच्छा खासा के आपको रिटर्न दे सकता है। ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप ईयरली रिटर्न देखें तो ईयरली में भी बहुत कम रिटर्न दिया इसने, मतलब ये डाउन पे डाउन गया। 6 मंथ में भी 40% माइनस, और अगर आप 1 महीने का रिटर्न देखें तो 3.85 लगभग। 5 दिन का रिटर्न भी इसने अच्छा खासा दिया है, तो क्या आगे भी ये ऐसे ही चढ़ाव चढ़ेगा, इतना ऊंचाई पे जाएगा? तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं ओपन हाई। आप देख सकते हैं जैसा कि लगभग इसका 1.72 ट्रिलियन करोड़ की कंपनी लगभग है ये, और साथ में आप देख सकते हैं ओपन हाई इसका लो था, मतलब इसका सर्किट आज नहीं टूटा है। 2-3 दिन से इसमें लगातार सर्किट चल रहा है। अगर आप इसके फाइनेंशियल देखेंगे तो जैसा कि आप फाइनेंशियल देख सकते हैं 2004 में फाउंड हुई थी, और साथ में हम अब देखते हैं इसका क्वार्टर रिजल्ट का। तो अभी आप देख सकते हैं मार्च का रिजल्ट आया है, अप्रैल मई जून का आना बाकी है। अगर अप्रैल मई जून का अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो ये अपर सर्किट रहेगा। बट मैं आपको बता दूँ इसका रिवेन्यू मार्च में भी कम हुआ, नेट इनकम कम हुई, डायलूटेड ईपीएस हुआ, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी नेगेटिव हुए, बस ऑपरेटिंग इनकम इनकी बढ़ी है। बट इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू भी बढ़ा है। ओके, तो अब देख सकते हैं इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम आई है बहुत सारी। अब हमें देखना है कि आगे क्या हो सकता है। जैसा कि आप प्री मार्केट ऑर्डर भी देख सकते हैं, ऑर्डर बुक कितने लगभग 2,07,99,000 लगभग ऑर्डर लगे हैं 1.35 की रेट में। ओके, 2,07,99,776 क्वान्टिटी के ऑर्डर लगे हैं लगभग। वॉल्यूम आप देख सकते हैं 67,28,323 लगभग ट्रेड हुआ। टोटल मार्केट कैपिटल इसकी देख सकते हैं आप 1,70,00,000 लेके, और लगभग 2,07,99,776 के ऑर्डर लगे हैं। ओके, तो सेल क्वांटिटी नहीं है, मतलब कल ये ओपन जो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, कल ये ओपन होगा अपर सर्किट में ही ओपन होने वाला है। उसके बाद ये डाउन में जा सकता है क्योंकि आज भी सेलिंग लगभग हुई थी। आप देख सकते हैं क्वांटिटी आज ट्रेड इतनी हुई है, 100% क्वांटिटी डिलीवर हुई है। ओके, तो फॉर ब्लॉक डील आप देख सकते हैं मॉर्निंग ब्लॉक डील विंडो, अगर इसमें नॉर्मली बहुत जल्दी बता देगा ये। ओके, तो आप देख सकते हैं प्राइस एडजस्टमेंट भी हुआ इसमें, और आप देख सकते हैं जैसा कि ना यहाँ पे डिलीवरी इसकी लगभग देख सकते हैं आप 100%, पर ट्रेडिंग कितनी हुई है 67,28,000। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ इतना इसमें हुई है ट्रेडिंग। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया ना, आपको प्रॉब्लम क्या है, अगर 67 लाख ट्रेडिंग आज हुई है, कल 2,02,00,000 अगर बिक जाते तो आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी प्राइस आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जो रेट चल रहा है उससे 1 पैसे नीचे आप स्टॉप लॉस लगाइए, जिससे अगर वो डाउन जाता है तो आप उससे बच सके। अभी तक इसमें कोई अच्छी गुड न्यूज़ भी नहीं है, आप देख सकते हैं कोई भी इसके बारे में अच्छी न्यूज़ अभी आई नहीं है। ओके, तो ये नॉर्मल सा जो ट्रेड है, शेयर ट्रेड करता है, वो उसी तरीके से करता रहेगा। तो इतना आपको अभी ज़्यादा इसमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इसने यहाँ पर भी एक तरीके से 5 डे का आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर भी सर्किट बहुत बार ब्रेक किया और अब गया है। तो आपको थोड़ा बच के चलना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे इसमें सर्किट लगा है 5 दिन से, वैसा ही आप 1 महीने का रिटर्न देखोगे तो आपको क्लियर ग्राफ मिलेगा किस तरीके से ग्राफ डाउन जा रहा है। आप देख सकते हैं उस तरीके से ये डाउन भी जा सकता है। ओके, और यह अब भी जा सकता है क्योंकि इसने 1-2 बहुत सारे सपोर्ट तोड़ दिए। बस हम 6 मंथ का ग्राफ देखते हैं तो हमें ओवरऑल इंडिकेट करता है कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सर्किट के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप करके अच्छा खासा इसमें अमाउंट कमा सकते हैं। ओके, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले वीडियो को, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। और क्रिप्टो वीडियो के लिए भी मैंने टेलीग्राम में चैनल के लिंक दिया, उस पर फॉलो करके आप क्रिप्टो भी सीख सकते हैं। थैंक यू।